हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू म्यूजिक मम्मी स्टूडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग राइट वे में कंसीलर को कैसे लगाएं, किस तरीके से अप्लाई करें राइट वे में। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपके फेस में पिंपल के निशान है, या फिर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, या फिर आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो उसको हाइड करने के लिए आप कंसीलर को किस तरीके से अप्लाई करेंगे अपने फेस पे, तो ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो कंसीलर को आप अपनी फिंगर टिप की हेल्प से भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कंसीलर को परचेस करते हैं, अपने स्किन शेड के अकॉर्डिंग ही परचेस करें और एक अच्छी ब्रांड का यूज करें। और साथ ही साथ, अगर आपको बहुत ही ज्यादा डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है अगर आपको, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आपको अपना फाउंडेशन, तो आपको अपने शेड के अकॉर्डिंग एक या दो शेड आपको थोड़ा डार्कर लेना है अगर आपको इस चीज की ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एले गर्ल का प्रो कंसीलर। ये HD कंसीलर है, ये आपको इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ये एले गर्ल का जो ये HD कंसीलर है, ये जिन लोगों की स्किन ड्राई है उन लोगों के लिए काफी बेस्ट है ये वाला कंसीलर। और इसके साथ साथ जिन लोगों के स्किन ड्राई है, वो लोग स्विस ब्यूटी का ये वाला कंसीलर पैलेट भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों कंसीलर होने वाले हैं जिन लोगों के स्किन ड्राई है। तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आ जाता है। तो आप देख रहे हैं, इसके आगे आपको ब्रश भी मिल जाता है। तो जब आप इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे, इसके अंदर से आपका कंसीलर बाहर आ जाएगा और आप इसको इजिली अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। तो जो जो पोर्शन आपको डार्क लगता है, जैसे आपके डार्क सर्कल हो गए, या फिर आपके पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या फिर इस तरीके का यहाँ का एरिया अगर किसी का डार्क होता है, तो उसको ये इजीली हाइड कर देगा। तो इसको मैं इस तरीके से प्रेस कर लूंगी, ये देखो ये बाहर आ जाता है इसमें से कंसीलर, और मैं इसको अपने आई के चारों तरफ इसको अप्लाई कर लूंगी इस तरीके से। और नीचे वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, आपको अगर ज्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो आपको इस तरीके से यूज कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया है, वी शेप में आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को ज्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो वो लोग इस तरीके से यूज करेंगे। और साथ ही साथ, अगर आपका ये वाला पोर्शन डार्क है, तो यहाँ पे भी आप हल्का हल्का इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और ये वाला पोर्शन। और जिन लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आप वहां पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, वहां पे भी आप इसको लगाएंगे इस तरीके से। तो जो ये वाला कंसीलर है, ये वाला था जिन लोगों की स्किन ड्राई है, और जिन लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन है, वो लोग ये वाला कंसीलर ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ, जिन लोगों की स्किन ऑयली है, वो लोग ये वाला कंसीलर यूज कर सकते हैं। तो हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग तरह का कंसीलर मिलता है। तो आपको क्या करना है, इस कंसीलर को इधर उधर नहीं फैलाना है, जहां पे आपने इसको लगाया है इस तरीके से आप अपने फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प चाहिए होगी। इस तरीके से देखो कितने से ब्लेंड हो जाता है, और आपकी जो डार्कनेस है वो इजिली कवर हो जाती है। ये देखिए, इजिली ब्लेंड हो जा रहा है ये, और आपके जो डार्कनेस है उसको अच्छे से कवर कर देगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपने जहाँ पे लगाया है उसी पोर्शन में आपको इसको ब्लेंड करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपने जहाँ पे ये अपनी डार्कनेस को हाइड करने के लिए कंसीलर का यूज करा है, सिर्फ आपको वहीं पे ही इसको इस तरीके से डैब डैब मोशन में इसको वहीं पे लगाना है। आपको सिर्फ डैब डैब करना है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करते हैं, तब भी आपको सिर्फ डैब डैब करना है, इधर उधर नहीं लेके जाना है अपने कंसीलर को। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली आपका जितना भी डार्क सर्कल है वो इजीली हाइड हो जाएगा। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो वो भी इजीली हाइड हो जाएगा। तो देखो, ये तो मैंने कर दिया फिंगर से सेट, तो देख सकते हैं आप बिल्कुल एकदम हाइड हो चुका है। और जो मेरा ये वाला पोर्शन है, अब मैं आपको इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। तो इसको भी आपको इधर उधर नहीं लेके जाना है, जहां पे आपने लगाया है सिर्फ वहीं पे आपको इसको डैब डैब कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी सारी डार्कनेस जो होगी वो अच्छे से हाइड हो जाएगी। ये देखिए, जब आप अपने कंसीलर को डैब डैब करते हैं, तो आपको इस तरीके से ऐसे लेके जाना है, बाहर को लेके जाना है इस तरीके से। देखिए, बहुत ही अच्छे से आपका डार्कनेस है वो इजीली कवर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, ये इसने अच्छे से कवर कर लिया है। तो जिन लोगों के पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, वो भी इजीली अपने कंसीलर को अप्लाई कर सकते हैं अपने डार्कनेस में, अपने डार्क एरिया में इस तरीके से। और जो मेरे ये वाले कंसीलर का शेड था, वो था क्रीमी बेज। तो ये हमने कंसीलर लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको अपने कुछ पोर्शन हाईलाइट करने हैं, जैसे ये वाला पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन, अगर आपको हाईलाइट करना है, तो आपको क्या करना है, तो अब मैं क्या करूंगी, आपको अगर अपने कुछ पोर्शन हाईलाइट करने हैं अपने फेस के, तो मैं क्या करूंगी, अपने शेड से कुछ शेड लाइट लूंगी, और उस लाइट शेड को, जैसे मुझे ये वाला पोर्शन अपना हाईलाइट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर लूंगी थोड़ा सा यहाँ पे,
उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे लूंगी और थोड़ा सा यहाँ पे लूंगी। अब मैं इसको क्या करूंगी, अपने फिंगर की हेल्प से इसको इस तरीके से डैप डैप कर लूंगी। फिंगर से भी काफी अच्छा लग जाता है आपका कंसीलर। ये देखिए आपके ये पोर्शन है ये हाईलाइट हो जाएंगे एकदम। तो ये देखिए फिंगर के हेल्प से भी आपके वाले पोर्शन एकदम हाईलाइट होके निकल जाते हैं। और अगर आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड करें तो भी ये इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। सो इस ब्यूटी से भी ब्लेंड हो जाता है और जो दूसरा वाला था वो भी ब्लेंड हो जाता है। फिंगर की हेल्प से भी आप इसको इजीली लगा सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर की जरूरत नहीं है कि आपको हेल्प चाहिए। तो ये आपके पोर्शन हो गए हाईलाइट। तो हमने अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर लिया अपने फेस पे। अब बारी आती है आपके फाउंडेशन की। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ NYB का फाउंडेशन स्टिक। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंसीलर लगाना है, उसके बाद ही आपको फाउंडेशन लगाना है। तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आपके फेस पे बहुत ज्यादा ओवरलोड आपके फेस में लेयर बन जाए मेकअप की और बहुत ज्यादा ऑड लगे। सबसे पहले कंसीलर लगाना है, देन आपको फाउंडेशन लगाना है। तो मैं अभी अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन को मैं अब अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं हमारा फाउंडेशन भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहो तो इसके ऊपर अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपका फाउंडेशन काफी टाइम तक टिका रहेगा, स्वेटिंग नहीं होगी आपको, तो उस तरीके से आपका सेट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आपके डार्क सर्कल, आपके फेस में जितनी भी पिगमेंटेशन होती है, आपके जितने भी डार्कनेस होती है फेस पे, वो बहुत ही अच्छे से हाइड हो जाती है। तो आप इसी तरीके से अपने फिंगर की हेल्प से राइट वे में अपने कंसीलर को अप्लाई कर सकते हो और अपने दाग धब्बों को एकदम हाइड कर सकते हो। तो यही था हमारा आज का कंसीलर लगाने का सही मेथड। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।